हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राके टेक्निकल चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको लूडो निंजा गेम खेलकर बताऊंगा, 250 रुपये वाला गेम। और दोस्तों, इसमें किस प्रकार से लोग मिलकर खेलते हैं वो भी मैं इस गेम में आपको बताने वाला हूं, जिससे आप समझ जाएं कि आपको 250 रुपये वाला गेम आपको नहीं खेलना है, क्योंकि दोस्तों इसमें खिलाड़ियों की टीम बनी होती है। और दोस्तों, कम से कम 10-12 खिलाड़ी जो कि मिलकर खेलते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर अगर और कोई खिलाड़ी जुड़ जाता है तो दोस्तों उसके साथ तीनों खिलाड़ी मिल जाते हैं। और दोस्तों, एक खिलाड़ी क्या कर पाएगा तीनों खिलाड़ियों का, क्योंकि दोस्तों वो आपस में गोटी कटवा कर अपने स्कोर बढ़ा लेते हैं। और दोस्तों, हम इस गेम को हार जाते हैं 250 रुपये वाला। तो दोस्तों, आपसे विनती है कि आप 250 रुपये वाला गेम ना खेलें, क्योंकि दोस्तों मैं नहीं चाहता कि दोस्तों आप भी अपने पैसे हारें। तो दोस्तों, आपको 250 रुपये वाला गेम बिल्कुल नहीं खेलना है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूं कि 250 रुपये वाले गेम में किस प्रकार से चीटिंग होती है। तो दोस्तों, जहां पर आप देख सकते हैं मेरा शख्स आ गया, और दोस्तों जहां पर हम अपनी गोटी को रखते जाएंगे, और दोस्तों जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि जे किस प्रकार से मिले हैं। शुरू में दोस्तों जहाँ पर हमको जान पड़ता है कि जे खिलाड़ी नहीं मिले हैं, तो दोस्तों जब गोटी कटने का चांस आता है तब हमको दिख जाते हैं कि जे खिलाड़ी मिले हैं या नहीं मिले हैं। तो दोस्तों जहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि दोस्तों जहाँ पर चौथा चालक है जो कि जहाँ पर टाइम कर रहा है और बता रहा है कि दोस्तों कि जी मिले ना हो, ऐसा चल रहा है। तो दोस्तों जहाँ पर तीनों खिलाड़ी जो टाइम कर 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 खेल रहे हैं, तो दोस्तों जहाँ पर देखते हैं हम आपको बताएंगे कि इसमें किस प्रकार से चीटिंग करना है। तो दोस्तों जहाँ पर इनका 3 आ गया, और दोस्तों जहाँ पर हमारा 5 और उसके बाद में 4 है। तो दोस्तों हम अभी 1-5 को घर से चलेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर हम आगे चलेंगे 4 में तो दोस्तों अगर दूसरे चालक ने अगर गोटी खोल ली तो दोस्तों जहाँ पर हमारे दो चांस मिल जाते हैं हमारे गोटी काटने के, तो इसलिए हमने आगे को नहीं रखा गोटी को। तो दोस्तों अब हम रखेंगे 5 और उसके बाद हमारा 4 है। तो दोस्तों हम रखेंगे 5-4 में। तो दोस्तों पहले बहुत चांस रहता था इसमें जीतने का, लेकिन दोस्तों अब इसमें बहुत कम चांस है, क्योंकि दोस्तों इसमें तीनों खिलाड़ी मिलकर खेलते हैं, और दोस्तों एक खिलाड़ी तीनों खिलाड़ियों को कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि दोस्तों ये आपस में गोटी कटवा कर स्कोर बढ़ा लेते हैं। तो दोस्तों जहाँ पर मैंने दूसरे चालक के घर कहाँ से गोटी निकाल ली है, और दोस्तों जहाँ पर बहुत ही अच्छी गोटी हमारी आ चुकी है। और दोस्तों जहाँ पर देखते हैं क्या होता है, सामने वाले खिलाड़ी का शख्स आ गया, और दोस्तों चौथे चालक का भी जहाँ पर हो रहा गया, और दोस्तों जहाँ पर हमारा बन आ गया, बन में हम स्कूटी को चलेंगे, क्योंकि दोस्तों दूसरे चालक का अभी शक से एक बार भी नहीं गया। तो दोस्तों इसका शक आने का बहुत ज़्यादा समय है। तो दोस्तों जिनका 4 आ गया, और दोस्तों देखते हैं, और दोस्तों जहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ही इनका आ गया, और दोस्तों जहाँ पर जी आपस में दोनों खिलाड़ी मिले हैं, और दोस्तों जहाँ पर इनका 3 आ गया, और जहाँ पर दोस्तों मेरा भी 3 आया था, और दोस्तों जहाँ पर आप देख सकते हैं दो खिलाड़ी जहाँ पर मिले हैं, और दोस्तों इन्होंने आपस में अपनी गोटी नहीं मारी है। और दोस्तों जहाँ पर तीनों खिलाड़ी मिले हैं मुझे लगता है, और दोस्तों मेरा 5 आने वाला था। तो दोस्तों जहाँ पर दूसरे चालक ने अपनी गोटी को आगे से हटा लिया, क्योंकि दोस्तों इन्होंने सोचा होगा अगर इसके स्कोर ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो दोस्तों हमें जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों जहाँ पर मैंने अपनी गोटी काट दी है 6 में, क्योंकि दोस्तों मेरा 2 आ रहा है इसलिए मैंने गोटी काट दी है। और दोस्तों तीसरे चालक का जहाँ पर 3 आ गया, और दोस्तों जहाँ पर इन्होंने गोटी निकाल ली है, और दोस्तों जहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से तीनों खिलाड़ी गोटी रखते जा रहे हैं। और दोस्तों ऐसी गोटी कोई नहीं रखता है, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं जहाँ पर 6 के बाद इनका 2 आया था, और दोस्तों जहाँ पर हमारा बन आ गया, बन में हम दोस्तों इस गोटी को 2 में लगा देते हैं, क्योंकि दोस्तों 5 के बाद हमारा 3 है, और दोस्तों जहाँ पर इनका 2 एक बार भी गया है। और दोस्तों क्या करें, क्योंकि दोस्तों हमारी गोटी अभी 6 में है, हो सकता है दोस्तों हमारी गोटी कट भी जाए। तो दोस्तों जहाँ पर इनका 2 आ चुका है, तो दोस्तों हमारी गोटी कट चुकी है, और जहाँ पर दोस्तों हमारे 10 स्कोर कम हो चुके हैं, और दोस्तों आपस में तीनों खिलाड़ी मिले हुए हैं। जैसे कि जहाँ पर इनका 6 आ गया, तो दोस्तों बहुत ही तो दोस्तों इनका अभी 6 आ गया, और दोस्तों तीनों खिलाड़ी धुआंधार अपनी गोटियों को ले जाते रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इन्हें कटने का चांस ही नहीं है, और तीनों खिलाड़ी आपस में मिले हैं, और दोस्तों इनकी गोटी कोई नहीं काट पाएगा। और दोस्तों जहाँ पर हमने 3 में अपनी गोटी निकाल ली है, क्योंकि दोस्तों जहाँ पर इनका 3 4 बार निकल गया है इसलिए हमने गोटी को निकाल लिया है। और दोस्तों इनका 5 आ गया, देखते हैं
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी गोटी कट रही थी तो इन्होंने चाल को स्किप कर दी है। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों खिलाड़ी मिले हैं। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप इस गेम को ना खेलें। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा सिक्स आ गया, तो दोस्तों मैं सिक्स में होम करने के लिए चलता हूँ। तो दोस्तों अगर हम अपनी गोटी को होम भी कर लेते हैं तो दोस्तों कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर तीनों खिलाड़ी मिले हैं। और दोस्तों अगर दो खिलाड़ियों की गोटी कट भी जाए तो दोस्तों एक खिलाड़ी को जी आप जे गोटी आगे रखकर एक खिलाड़ी को आसानी से करने का मौका दे देती हूँ। और दोस्तों अपनी गोटी कटवा कटवा कर जो इनके स्कोर होते हैं वो दोस्तों बढ़वा देते हैं। जैसे कि जहाँ पर दोस्तों मेरे स्कोर 10 स्कोर कम है इनसे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने मेरी गोटी काट दी है। और दोस्तों तीनों खिलाड़ी मिले हैं, क्योंकि दोस्तों जहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर 5 में गोटी नहीं काटी है और दोस्तों दूसरी चालक की गोटी 4 में नहीं काटी है। और दोस्तों जहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से तीनों खिलाड़ी मिले हैं और दोस्तों यहाँ पर दो दो चांस दे रहे हैं और दोस्तों इन्होंने गोटी भी नहीं काटी है। तो दोस्तों जहाँ पर हमें जीतने का चांस बिल्कुल नहीं मिलता है। तो दोस्तों आप कभी भी 250 रुपये का गेम बिल्कुल ना खेलें, भूल कर भी ना खेलें। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में यही बताना चाहता था। और दोस्तों जहाँ पर हमें इस गेम को लॉस हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें कोई चांस नहीं है हमें जीतने का, क्योंकि दोस्तों जहाँ पर इनका जो खिलाड़ी हैं तो दोस्तों जहाँ पर आपस में मिले हुए हैं। तो दोस्तों जहाँ पर हमारा 3 आ गया तो हम घर से चलेंगे। और दोस्तों जहाँ पर हमारे बहुत सारे स्कोर कम है और क्योंकि दोस्तों जहाँ पर कोई फायदा नहीं है ना हमारी जीतने की आशा है। अगर दोस्तों जे खिलाड़ी आपस में मिले ना होते तो दोस्तों हमारी जीतने की आशा 100% थी और हम जीत सकते थे। लेकिन दोस्तों ये तीनों खिलाड़ी मिले हैं और दोस्तों आपस में इन्होंने गोटी नहीं काटी है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस गेम को हार चुके हैं, जैसे कि आप हमारी वीडियो में देख पा रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों हमें कटने का मौका ही नहीं मिल रहा है, हम किसी की गोटी नहीं काट पाएंगे यहाँ पर। तो दोस्तों इनका सिक्स आ गया और दोस्तों यहाँ पर इनका 5 आ चुका है। और दोस्तों आप देख सकते हैं किस किस तरीके से गोटी रखते हैं। तो दोस्तों आपको इस गेम को नहीं खेलना है कभी भी, भूल कर भी। तो दोस्तों आपको दूसरा गेम खेलना है, जैसे कि जहाँ पर 25 रुपये से लेकर 50 रुपये तक का गेम खेल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 100 रुपये वाले में भी मिलकर लोग खेलते हैं। अगर आप सुबह गेम को खेलते हैं, संजा के गेम को खेलते हैं, तो दोस्तों मिलकर आते हैं जो खिलाड़ी। तो दोस्तों आपको अगर आप 100 रुपये का गेम खेलना चाहते हैं तो दोस्तों पहले उसमें देख लें कितने प्लेयर जुड़ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर दोस्तों 20-25 खिलाड़ी जुड़ गए हों तो दोस्तों आपको तभी उसमें जुड़ना है, वरना आप उसमें ना जुड़ें। और दोस्तों 250 वाले रुपये में आप कभी भी भूल कर भी ना जुड़ें, उसमें भले एक भी खिलाड़ी ना दिख रहा हो। तो दोस्तों वहाँ पर शुरू में क्या होता है, जब हम आगे जुड़ जाते हैं और दोस्तों पीछे कर कम से कम 10-12 प्लेयर इकट्ठे जुड़ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों वो इंतज़ार करते हैं कि कोई खिलाड़ी जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि दूसरा खिलाड़ी जुड़ चुका है, तो दोस्तों भी तभी जुड़ते हैं। तो दोस्तों आपको एक गेम बिल्कुल नहीं खेलना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका बना आ गया। तो दोस्तों इन्होंने अपनी तीनों खिलाड़ियों ने गोटी होम कर ली है। अगर दोस्तों ये तीनों खिलाड़ी आपस में मिले ना होते दोस्तों हमारी जीतने की 100% चांस था, क्योंकि दोस्तों जहाँ पर तीनों खिलाड़ियों की गोटी आपस में कट चुकी थी और दोस्तों हमारी गोटी एक बार भी मतलब होम होने वाली गोटी एक बार भी नहीं, चांस भी नहीं मिला गोटी काटने का। तो दोस्तों जहाँ पर मेरी 10 स्कोर कम हो चुके थे और दोस्तों अगर हमारे 10 स्कोर भी कम ना होते तो भी ये खिलाड़ी जीत जाते, क्योंकि दोस्तों जहाँ पर जी आपस में स्कोर बढ़ा लेते तो दोस्तों जहाँ पर कुछ भी चांस नहीं है कि हम इस गेम को जीत जाएं। तो दोस्तों मेरा इस वीडियो में आपको जो ये बताना था कि आप इस गेम को ना खेलें तभी आप इस गेम को जीत पाएंगे। तो दोस्तों इससे अच्छा आप टर्बो गेम खेल सकते हैं, स्नैक एंड लेटेस्ट प्लस गेम खेल सकते हैं और दोस्तों आप 1v1 गेम खेल सकते हैं, वो बहुत अच्छा गेम है। तो दोस्तों आप इस गेम को ना खेलें। तो दोस्तों जहाँ पर देख सकते हैं आप उसमें स्कोर बढ़ा रहे हैं, जैसे कि गोटी काटने के बाद कैसे आगे रख लेते हैं गोटी को, क्योंकि दोस्तों इनके स्कोर बढ़ जाए। तो दोस्तों जहाँ पर यही चलता रहता है इस गेम में। और दोस्तों जहाँ पर कम से कम इन खिलाड़ियों की 10-12 खिलाड़ी हैं और जो मिलकर गेम को खेलते हैं, और दोस्तों जो कोई दूसरा खिलाड़ी आता है और जहाँ पर वो इनके सामने हार जाता है, क्योंकि दोस्तों 3 खिलाड़ी तो 3 ही होते हैं।